मेरे हस्बैंड का, पति का वीर्य बढ़ाने में क्या कर सकती हूँ? ऐसा सवाल पूछकर एक महिला ने मेरी अपॉइंटमेंट लिया। इस सवाल ये आता है कि वो महिला खुद अपने पति के वीर्य से संतुष्ट नहीं थी। उसको ऐसा लगता था कि वीर्य बहुत कम पड़ता है और उसको समाधान नहीं मिलता है। अर्थात मैंने उसको ये बताया कि भाई वीर्य की मात्रा और समाधान इसका कोई संबंध है नहीं। तभी भी वो तो जिद कर बैठी कि नहीं नहीं मुझे तो मेरे पति का वीर्य बढ़ाने का, उसके लिए मैं क्या करूँ। मैंने ठीक है चलो बात करते हैं। तो मैंने उसको जो पॉइंट्स बताया, 8 टिप्स दिया, मैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। डेफिनेटली आप भी आपके पति के लिए ऐसा करते हैं, या आप यदि पुरुष है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको आपकी वीर्य की मात्रा बढ़ाने में फ़ायदा होगा। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो है नंबर 1, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब व्यायाम यदि आप करते हैं और वो 30 से 40 मिनट का आप व्यायाम करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है और सेक्स लाइफ आपका बहुत ही अच्छा होता है। इसके बारे में मैंने जो वीडियो बताया वो अलग से आप देख सकते हैं। सो रेगुलर 30 से 40 मिनट का व्यायाम। नंबर 2, नींद। 7 से 8 घंटे की नींद होना बहुत ही जरूरी है। नींद हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। नींद में हम रीजनरेट होते हैं, रीजुविनेट होते हैं और एक अच्छी नींद, गहरी नींद लेना बहुत ही आवश्यक है, जिसके वजह से आपको अच्छी सेक्स लाइफ एंजॉय करने के लिए मिलेगी। नंबर 3, आपका स्मोकिंग। यदि आप सिगरेट स्मोक करते हैं, बीड़ी स्मोक करते हैं या तंबाकू खाते हैं तो वो आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ मतलब निकोटीन जो रहता है उसमें वो अफेक्ट करता है सेक्स को। नंबर 4, शराब, अल्कोहल। सभी तरह के अल्कोहल, बियर से लेके फिर विस्की हो रहो या रम हो रहो या कोई भी रहो, अल्कोहल उसका इस्तेमाल बंद करना चाहिए। लोग पूछते हैं कि नहीं नहीं कभी कभी हमने लिया तो कभी कभी की व्याख्या जो है, डिफिनेशन, वो लोगों के लिए अलग अलग है। कभी कभी तो वो कभी भी नहीं लेना चाहिए शराब। और हम तो आपको बताने के लिए हर्ष है कि हम तो डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं, व्यसन मुक्ति केंद्र चलाते हैं और हम बोलते हैं कि कभी भी शराब नहीं लेना चाहिए। नंबर 5, आपके पति को आप पूछो कि आप कुछ दवाई ले रहे हैं क्या, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो ऐसी होती है कि जो दवाइयों की वजह से वीर्य की मात्रा कम पड़ती है, वीर्य निकलता ही नहीं है। उसमें कुछ ब्लड प्रेशर की दवाई है, एंटी डिप्रेशंस, एंटी एंग्जाइटी दवाई है कि जिससे वीर्य की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे सारा जो दवाई है मतलब सेरोटोनिन बढ़ाने वाली दवाई, उससे वीर्य कम निकल सकता है या वीर्य निकलेगा ही नहीं। तो वो दवाइयाँ एक बार चेक करना जरूरी है आपको कि भाई कौन सी दवाई आपके पति ले रहे हैं। नंबर 6, आप मेथी दाने ले सकते हैं, फेनुग्रीक सीड्स या मेथी की सब्जी आप खिला सकते हैं। ठीक, मेथी दानों का बहुत ज़्यादा फायदा है, उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है और वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि फेनुग्रीक मेथी दाने के क्या फ़ायदे हैं। नंबर 7, विटामिन डी सप्लीमेंट्स। विटामिन डी सप्लीमेंट, एक तो आप कैप्सूल ले लो विटामिन डी का तो बहुत अच्छा है, विटामिन डी आप लेते हैं तो। और विटामिन डी की मात्रा यदि आपकी कम है, आपने टेस्ट कर लेना विटामिन D3 आपके बॉडी में कितना है और वो टेस्ट करके आप देख लो, और वो यदि कम है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। आप सूरज में जाते हैं मतलब सूरज की रोशनी में विटामिन डी बहुत अच्छा रहता है, वैसे ही आप दूध ले सकते हैं और नहीं तो फिर विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। नंबर 8 है अश्वगंधा। अश्वगंधा की पाउडर यदि आप रोज 1 चम्मच लेते हैं तो डेफिनेटली आपके पति को फायदा होगा। अश्वगंधा की पाउडर रोज 1 चम्मच आप यदि 8 हफ्ते तक लेते हैं तो स्पर्म की और वीर्य की मात्रा बढ़ने में फायदा हो जाएगा। तो ये 8 नुस्खे मैंने आपको बताए, इसका इलाज यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली वीर्य की मात्रा बढ़ेगी, सेक्स की पावर बढ़ेगी, कठोरता बढ़ेगी, वीर्य जल्दी निकलेगा नहीं और आपका सेक्स लाइफ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी को शेयर करो। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते तो हमारा हौसला बढ़ जाता है और आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आते जाएंगे। तो आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।